तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, और वो भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देखरेख में, या जो भी, वो मेरी समझ से परे है। हम लोगों के संविधान में ये कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में ये परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा, या उस पर कमेटी बना के रखी जाएगी, अथवा उसमें मिलावट होगी, अथवा उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाएंगी जिससे सनातनियों का धर्म बर्बाद हो जाएगा। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं है। और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। दूसरी बात, हम सब सनातनियों को बार बार कहा जाता है शांति रखें, तो आप बताइए, जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक, और प्रसाद में मिल रही है मिलावट जो कि मांस इत्यादि से संबंधित है, क्या करें? क्या सनातनी इसके बावजूद भी चुप होना चाहिए? नहीं, ये अगर सच है तो इसके अगेंस्ट इन सब के पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें, और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस न हो सके। ये मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा कि अगर आप भी संविधान के तहत है ना, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर गहन जांच करके, जल्दी से जल्दी जांच करके दोषियों को बहुत बड़ी सजा दें, इतनी बड़ी सजा दें कि बस उन्हें पता चले। और सनातनियों से निवेदन करेंगे, भगवान को नहीं बचा सकते, भगवान के सम्मान को नहीं बचा सकते, भगवान के प्रसाद को नहीं बचा सकते, भगवान की यात्राओं को नहीं बचा सकते। अपने आप को हिंदू कहते हो? थोड़ा सोचो, जागो और आगे बढ़ो, कोई बचाने नहीं आएगा, हमें खुद बचना होगा। बांग्लादेश भारत में न बने, इसकी तैयारी हमको और आपको करनी होगी।